एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन पर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ को आज 55,000 वैक्सीन मिलेंगी, लखीमपुर खीरी और हरदोई को भी 10,000 से 15,000 वैक्सीन, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली भेजी जा रही हैं ये वैक्सीन। टीकाकरण प्राथमिकता है, उसमें लापरवाही पर कार्रवाई होगी, ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। नियम तोड़ने पर जिलाधिकारी और सीएमओ पर कार्रवाई होगी। आइए और विस्तार से समझते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। बताइए शैलेश, लखनऊ को आज जो 55,000 वैक्सीन मिलनी है, किस तरीके से? राजन देखिए, फिलहाल 1,40,000 वैक्सीन यहाँ आ चुकी है, 20,000 वैक्सीन लखनऊ के लिए कुछ ही समय में और आ जाएंगी। पर ये जो वैक्सीन है उसी के हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया गया, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट लेवल से नहीं हुआ है बल्कि सेंट्रल के लेवल से तय किया गया। जो कोविन पोर्टल पर बेनिफिशियरी का पूरा डेटा रखा गया था, उस डेटा के आधार पर केंद्र ने तय किया है कि किस जिले को फिलहाल कितनी वैक्सीन भेजी है। और इसी क्रम में देखिए, सूत्रों की माने तो लखनऊ को करीब 55,000 वैक्सीन आज मिलेगी। लखनऊ की जो जरूरत है वो लगभग 51,000 से 54,000 के बीच है। ऐसे में 55,000 वैक्सीन मिलने का मतलब साफ है कि लखनऊ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो उनके लिए पूरी वैक्सीन आज पहुंच जाएगी। दूसरी अगर बात करें लखनऊ मंडल की, जो बाकी के 5 जिले और हैं वहां पर प्रत्येक जिले को करीब 10,000 से 15,000 के बीच में डोज फिलहाल भेजी जा रही है ये सोर्सेज के अकॉर्डिंग। और इसके साथ में एक और खास बात हम बताएं राजेंद्र आपको कि ये चीजें हो गई। इसके अलावा जो कोविड का वैक्सीनेशन होगा उससे पहले कल तक लखनऊ मंडल के जितने भी ब्लॉक है वहां पर वैक्सीन को पहुंचाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी आज सभी डिस्ट्रिक्ट स्टोर पर जाएगी, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट के स्टोर है वो कल तक हर ब्लॉक तक वैक्सीन को पहुंचाने का काम पूरा कर लेंगे। और इसके बाद जो सेशन पॉइंट है यानी जहां पर वैक्सीनेशन होना है, जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन जिस दिन होना होगा वहां उसी दिन वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सबके बीच जो पहुंचने किया जाएगा। इसके साथ में एक और खास चीज राजेंद्र, के वैक्सीन एक एक डोज का पूरा हिसाब ऑनलाइन और मैनुअली दोनों तरह रखा जाएगा, या जो खाली चीज होगी वो वापस लौटानी होगी। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपको दिखाएं, वाराणसी में भी कोरोना की वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। काशी में करीब 1,58,000 वैक्सीन पहुंची है। विस्तारा यूके 621 विमान से वैक्सीन की खेप मुंबई से काशी लाई गई। इसे नोडल मेडिकल ऑफिसर को वहां पर सौंप दिया गया। कैसे, ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव। ऐसे ये वैक्सीन पहुंची वहां पर, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंची मुंबई से, और नोडल जो ऑफिसर थे, नोडल मेडिकल ऑफिसर, उनको ये वैक्सीन सौंप दी गई। विस्तारा के विमान से ये पहुंची लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी, और ऐसे वहां पर मेडिकल ऑफिसर को ये सौंप दी गई। एक्सक्लूसिव आप फुटेज देख रहे हैं वाराणसी से जो हमें मिली है। एक लाख 58,000 डोजेस कुल अभी तक लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंची वैक्सीन वाराणसी के लिए मुंबई से, वो आप देखिए। इस पूरे क्षेत्र में इसी वैक्सीन से वैक्सीनेट किया जाएगा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को। ऐसे विमान से उसे उतारा गया और मेडिकल ऑफिसर को सौंप दिया गया। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। तो वाराणसी को 1,58,000 डोजेज मिली है वैक्सीन की, कोरोना वैक्सीन की, और इससे 16 जनवरी से जो पहला चरण शुरू होगा उसमें जो फ्रंट लाइन, जो सबसे आगे रहकर जिन्होंने कोरोना से युद्ध किया है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। नोडल मेडिकल ऑफिसर ने ऐसे रिसीव किए वैक्सीन, और देखिए उनके सहकर्मी भी साथ में। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जहां पर ये वैक्सीन पहुंची है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी बीच में वाराणसी से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कब पहुंची है वैक्सीन और कौन थे वो ऑफिसर और कर्मचारी जिन्होंने इसे रिसीव किया? राजेंद्र जी, 11:30 बजे ये वैक्सीन पहुंची है और विस्तारा की
UK621 ये है, उसी फ्लाइट से पहुंची वैक्सीन ये। और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट आकाश श्री एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं, और इसके साथ और भी ऑफिसर शामिल थे, नोडल ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, जिनको ये वैक्सीन सौंप दी गई है। और अभी ये वैक्सीन तुरंत उतार कर पेट की देखरेख में, वहाँ पे देखरेख में कार्गो टर्मिनल पर ले जाया गया है। और अब काशी को वैक्सीन मिल गई है, लगभग 16 टीके मिले हैं, लगभग अगर बात करें तो 1.58 लाख खुराक मिली है जी, जी। और अब काशी से कोरोना को दूर किया जा सकेगा, काशी में कोरोना से राहत की वैक्सीन अब पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें, आज ही कानपुर पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, थोड़ी देर में मुंबई से कानपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी ये वैक्सीन। सुरक्षा व्यवस्था के साथ वैक्सीन को कांशीराम अस्पताल पहुंचाया जाएगा, कानपुर भी आज ही पहुंच रही है कोरोना वैक्सीन, कांशीराम अस्पताल इसे पहुंचाया जाएगा, वापस स्टोर किया जाएगा और इस वैक्सीन से टीकाकरण होगा कानपुर क्षेत्र के फ्रंटलाइन वर्कर्स का, हेल्थ वर्कर्स का 16 जनवरी से, और इसके लिए वैक्सीन मुंबई से कानपुर आज ही पहुंचेगी, काशीराम अस्पताल पहुंचाया जाएगा इस वैक्सीन को कानपुर के। एक बहुत बड़ी अपडेट आपको दे दें, कोविड वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी खबर, एक एक डोज का हिसाब होगा, कोविन पोर्टल पर हर डोज की एंट्री की जाएगी। डीजी फैमिली वेलफेयर ने एबीपी गंगा से कहा कि कोविड वैक्सीन का पूरा हिसाब रखा जाएगा, वैक्सीन के खाली वॉल्स जो है उनको गिनकर वापस करना होगा, वेस्टेज का भी पूरा हिसाब देना होगा। बहुत गंभीर इस मामले पर सरकार, एक एक डोज का हिसाब कोविड वैक्सीन का देना होगा, एक एक चीज दर्ज की जाएगी पोर्टल पर, किसको लगी, कब लगी ये डोज, ये सब कुछ दर्ज होगा, और अगर वेस्टेज होगा तो उसका भी हिसाब दिया जाएगा। यानी इसकी एक डोज कितनी कीमती है इस वक्त और इसे कितनी गंभीरता से ले रही है सरकार, इसका पता चलता है। और यह बात डीजी फैमिली वेलफेयर ने खुद एबीपी गंगा से कही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक एक डोज का हिसाब होगा कोविड वैक्सीन की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।